लगातार चल रही सर्दी और कोहरे के कारण हाईवे पर चल रही वाहनों की रफ्तार धीमी पड़ गई है, लेकिन धीमी रफ्तार के बावजूद कोहरे के कारण होने वाली दुर्घटना थमने का नाम नहीं ले रही है। कोहरे के कारण जालौन जिले के आदर थाना क्षेत्र के संकट मोचन मंदिर के पास NH-27 झांसी कानपुर हाईवे पर आपस में 10 गाड़ियां टकरा गई, जिसमें पुलिस की एक PRV गाड़ी भी चपेट में आ गई। इस हादसे में 7 लोगों को गंभीर चोटें आई हैं, वहीं PRV पुलिस का एक जवान भी घायल हुआ है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को मेडिकल अस्पताल में भर्ती कराया है। प्रकाश सोनकर, क्या हुआ था भैया, कैसे घटना हुई? भाई हमारी कंटेनर गाड़ी थी, ये साथ में लड़का था, ये चला रहा था, मैं आराम कर रहा था और थोड़ा सा आगे ट्रेलर चल रहा था, उसी में इसने हल्की टक्कर मारी थी जिससे गाड़ी रुक गई। अब मैं उठा जो है तो मैं देखा और तुरंत बैक करवाने के चक्कर में पड़ गया। मैंने कहा बैक करा, गाड़ी देखा साइड में लगा, बैक कर नहीं पाया मैं, जैसे स्टेयरिंग में बैठ नहीं पाया तैसे पीछे वाले ने एक मार दिया लाके मारे में, वही सामने वाले जो जिसमें टक्कर मारे तो उसमें फिर ज़्यादा भयानक हो गई गाड़ी। कितनी गाड़ियाँ टकराई? अरे 2-3 गाड़ी लड़ी थी वहाँ पे, हम हमारे पीछे 2 गाड़ी मारी थी। टोटल कितने लोग घायल हुए हैं? हम तो मान लो अकेले हैं, उसके पट्टे उस पट्टे में दो, हमें सामने भी एक्सीडेंट हुआ था ना, तो सामने भी गाड़ियाँ लड़ी थी, उनमें भी घायल हुआ था जी। जो ये कल रात की कल के आज सुबह की मॉर्निंग की घटना है, कोहरा काफ़ी था जिससे कि एक ट्रक के पीछे 2-3 ट्रक आके लड़ गए थे, 4-5 लोग घायल हैं, कुछ ज़्यादा गंभीर घायल नहीं है, उनको तत्काल पुलिस को जैसे ही सूचना मिली तत्काल उनको उपचार के लिए नज़दीक हॉस्पिटल में ले जाया गया है। बाकी ट्रैफिक स्मूथली चल रहा है, एक ट्रक जो अभी आप देख रहे हैं ये पीछे खड़ा हुआ है, इसको और मूव करना है, बाकी ट्रैफिक चलने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी।